गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस ऑडिबल? हेलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट गुड मॉर्निंग सर। दिस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ द कोलिजन थ्योरी। So collisions theory, in that collision theory, we have studied that for the reactions to take place, there must be the collision between the reacting molecules. Okay, we have understand some of the important concepts regarding the collisions, means which collisions are required to take place. Okay. Which collisions are the perfect collisions? Which collisions which collisions the maximum quantity of the reactant molecule get converted into the product molecules? So we have studied some of the basic things about this collision theories. Okay. So collision theory, what required? The reactant molecule must collide. This is the first conditions. Okay, the reactant molecule must collide for the reaction to take place. For example, there are some reactants in the reacting. Okay, consider करिए कि reactant के conditions में एक container है reactant का. Okay, यहाँ पे हमने कुछ reactant लिए हैं. वो reactant molecule जहाँ पे रखे हमने वहीं पे है. हम एक घंटे के बाद देखें, आफ्टर 1 आवर, इफ यू ऑब्जर्व द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, दे आर ऑन द सेम साइट, सेम प्लेस एज दे वाज, ओके, 1 आवर्स अर्लियर, यानी एक घंटे पहले वो जहाँ थे वहीं पे एक घंटे के बाद भी है. यानी इसका मतलब वहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं हुई, नो कोलिजन्स. कोलिजन इम्पोर्टेंट है. ओके, सो द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, वो कोलाइड होना चाहिए फॉर अ रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए. अभी आप गैसियस कंडीशन अगर जो आप कंसिडर करते हैं, गैसियस कंडीशन में भी क्या चाहिए? गैसियस मॉलिक्यूल कोलाइड होना चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी जाकर तो रिएक्शंस कंप्लीट होंगी. ओके, तो कोलिजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्टर के अंदर, रिएक्टिंग कंडीशन के अंदर. आई विल शेयर द वन स्लाइड हियर. एक कोलिजन थ्योरी है. ओके, कोलिजन थ्योरी के अंदर ये मॉलिक्यूल्स है, दिस मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड. ये जहां पे है वहीं पे अगर जो रहेंगे, कोलिजन अगर जो नहीं होगा तो ये इनका कन्वर्जन प्रोडक्ट में कैसा होगा? तो फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस. ओके, ड्यूरिंग द कोलिजन. अब कोलिजन भी कैसा होना चाहिए? कोलिजन शुड बी प्रॉपर. ओके, उसकी भी कोलिजन शुड बी कैसा होना चाहिए? देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड नो नेट गेन और लॉस ऑफ द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. लॉस भी नहीं होना चाहिए, गेन भी नहीं होना चाहिए, एनर्जी का सिर्फ एक्सचेंज होना चाहिए. सच कोलिजन्स आर कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? एनर्जी का एक्सचेंज होता है. अब देखिए, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल कितने होंगे? Okay. डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे पर सेंटीमीटर क्यूबिक एरिया के अंदर प्रेजेंट है. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जितनी उनकी एनर्जी रहेंगी, उतने ही नंबर ऑफ वहां पे क्या होंगे? कोलिजन होंगे. अब क्या होगा ड्यूरिंग द कोलिजन? सम मॉलिक्यूल में गेन और अदर में लॉस एनर्जी, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. वहाँ की जो एनर्जी है पूरी सिस्टम की, वो कैसी होनी चाहिए? कॉन्स्टेंट होनी चाहिए. तो
ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। ओके कोलिजन में दूसरी और एक इम्पोर्टेंट बात है, जो कोलिजन के जो मॉलिक्यूल है वो प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए। ओरिएंटेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। आप देखिए ओरिएंटेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन गैस, इफ दे आर कोलाइडिंग ईच अदर, कोलिजन इज नंबर ऑफ कोलिजन इज देयर बट वी विल गेट नो रिएक्शन बिकॉज एट दैट टाइम प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नॉट देयर। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर देर इज नो प्रॉपर ओरिएंटेशन बिटवीन द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्सीजन गैस। एट दैट टाइम नो रिएक्शन मीन द रिएक्टेंट रिमेन्स एज इट इज। फॉर द फ्रूटफुल रिएक्शन, फॉर द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट इन टू द प्रोडक्ट्स, प्रॉपर ओरिएंटेशन शुड बी देयर। मीन्स द फॉर द प्रॉपर ओरिएंटेशन कार्बन शुड कोलाइड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कार्बन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड शुड बी कोलाइड विद द ऑक्सीजन ऑफ द O2 मॉलिक्यूल सो दैट यू विल गेट द कार्बन डाइऑक्साइड एज द प्रोडक्ट्स। सो दिस इज द कंडीशंस आर देयर फॉर द बेटर कोलिजन्स। ओके सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, सेटिस्फाई द सिस्टम्स सो दैट द मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन इज देयर एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके सो इन ऑर्डर दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्रेटर विल बी द ग्रेटर इफ द ग्रेटर द रेट ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन द ग्रेटर द रिएक्शन रेट इज देयर। The collision theory explains the factor that affect the rate of the reactions. Reactions कैसे affect होती है, सारी चीजें collision theory हमको बताती है। अब उसके बाद देखेंगे collision theory of biomolecular reactions. दो molecules है, okay? तो क्या होता है इसके अंदर actual में? ये theory के हिसाब से, when the chemical reaction takes place by the collisions. Collision between these two molecules, it is a biomolecular reactions. But not all the collisions are effective. As we know that why they are not effective, if there is no proper orientation at that times, all collisions not effective. Okay, collisions are number of collisions are there, but total number of collisions and effective collisions there is a big difference. Okay, so but not all the collisions are effective. Only a small fraction of the collisions can be changed reactant into the products. Okay, we know that why small fractions of the reactant get converted into the products, because if collisions follow the certain rules, at that time only the reactants and the rate of the reaction increase, and only at that time the reactant get converted into the products. That's why the collisions only small numbers, only fractions of the part of the reacting molecules only follow the all the rules of the collisions. Means the small fraction of the collisions can be changed reactant into the products, and there are the two main criteria for these reactions. Which are these two important criteria? In that important criteria, first criteria is the colliding molecule must possess sufficient kinetic energy. Kinetic energy is most important, because if molecule is displacing from one place to another place, is only possible if it has some amount of the kinetic energy. If it having the kinetic energy means it displaces from this original place, at the same times if all the molecules are there and all the molecules having the same amount of the kinetic energy, means all the molecules displaces from the original place, means there is a chances of the collision, means chances of collision is increases as the kinetic energy of the system of the particular molecule is increases. So this is the first conditions to follow for the collision theory of biomolecular reactions. Means the molecule must have the sufficient amount of the kinetic energy to cause the reactions. Second thing is that
reacting molecule must collide. As they're having the kinetic energy, means there must be the collisions. There should be the collisions, okay? And as there is the collisions in that, some collisions are imperfect collisions and some collisions are perfect collisions. Perfect collisions are those which having the proper orientation in between them. So at that time, maximum product can be converted. So we having the formula, that is the rate of the biomolecular reaction is equal to ZF. K is the rate of the reactions, okay? Taking a specific reaction rate K, and at the same time, Z is what? Z is the number of molecules, means total number we can calculate. So Z is the number of molecules colliding per second per centimeter cube in the system containing 1 mole of the reactant per decimeter cube. Z indicate the number of molecules, K indicate the rate of the reactions, and F indicate the fraction of those that are activated. Okay, activated means that are actually involved in the reactions, that is F. So by using this formula, K is equal to ZF, we can calculate the rate of the reactions. But according to the law of the distribution of energy, if you follow the law of distribution of energy, at that times we consider the terms, the numbers n. N means the total number of molecules available in that systems. Okay, jitne molecule rahenge wo total molecules. Ab molecule calculate kaisa karte hain, numbers se calculate karte hain. Okay, Avogadro's numbers se. So F, n is the total number of molecules. जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस सिस्टम के अंदर, कितने भी हो सकते हैं, मिलियन ट्रिलियंस हो सकते हैं, ओके, वो टोटल जितने भी हैं पूरे के पूरे मीन्स एन, ओके, और वहाँ पे कुछ टेम्परेचर रहेगा दैट इज टी, सिस्टम का कुछ टेम्परेचर रहेगा दैट इज टी, ओके, एंड यहाँ पर एक टर्म है दैट इज एन डैश, यहाँ पर एन डैश, एन मीन्स क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, एन डैश क्या रहेगा फिर, number of molecules possessing the energy of activation at a temperature T. Total number of molecules, pure molecule system ke, usme se kuch molecule ke paas some amount of energy hai, to wo molecule that is N dash is the effective molecules involved in the chemical reactions, okay, then F can be calculated. Hum F nikal sakte hain, okay, ki to humne F kya bole hain, द फ्रैक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल दैट आर एक्टिवेटेड. फ्रैक्शन यानी कितने में से कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड है, तो वो यह अगर जो हमको निकालना है तो हमको टोटल मालूम, टोटल काउंट मालूम होना चाहिए और उसमें से कितने एक्टिवेटेड है वो मालूम होना चाहिए, तभी जाके हमारा यप निकलेगा. ओके, तो यप इस तरह से निकालेंगे हम. तो फिर अब यप की वैल्यू हमको पता है, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज को एन डैश एन, और उसी को इंडिकेट करते हैं कौन से फार्मूले से, हम e to the power minus ea divided by rt. E means activation energy, energy having that particular molecules, n dash, okay, t means system of the temperature, usse hum indicate karte, to hum ye terms ko replace karenge, e to the power minus ea divided by rt, means f ki value kya ho gayi, e to the power minus ea divided by rt. ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कहाँ पे, f की जगह पर, कि तो f हमने फ्रैक्शंस निकाले, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द एक्टिवेशन एनर्जी. अब ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, और रखने के बाद हमको के की वैल्यू मिल जाएंगे. मीन्स द इन केस ऑफ द बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, द रेट ऑफ द रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द के इज इक्वल टू जेड इन टू ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी. जेड यहाँ पे आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर सेकंड, ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब, उतने एरिया में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं, ये वैल्यू ई की वैल्यू, ये वैल्यू अगर जो है तो हम ए की वैल्यू, हम यानी डिपेंडेबल वैल्यू है, बाय प्रोवाइडिंग दिस वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द के. ओके,
तो ये था बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखें कोलिजन थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब कोलिजन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को कैसा बोलेंगे हम? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मीन्स ओनली वन मॉलिक्यूल इज देयर, ओके। और इसको दूसरा एक नाम है लिंडमैन थ्योरी, ओके। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को हम लिंडमैन थ्योरी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, इन द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट्स टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी फॉर द कोलिजन्स एट लीस्ट टू मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। कोलिजन होने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए? दो मॉलिक्यूल चाहिए। यहाँ पर है कितने? एक मॉलिक्यूल है। तो देयरफॉर द पोस्टुलेट ऑफ कोलिजन थ्योरी दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड बिटवीन द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स एंड कैन नॉट बी अप्लाइड टू द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ये जो चीज़ है पोस्टुलेट्स है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के, वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे, ओके। कोलिजन मीन्स क्या बोल रहे हैं आप? पोस्टुलेट्स ऑफ द कोलिजन थ्योरी दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बिटवीन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये जो है नंबर ऑफ कोलिजन वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट यूनिमॉलिक्यूलर को नहीं फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पे कोलिजन नहीं है। देन बिहेवियर ऑफ द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर। अगर जो एक्सप्लेन करना है हमको तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए सिंपली समझना क्या है हमको इसके बारे में कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मीन्स एक रिएक्टेंट है मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स हाइपोथेटिकल कंडीशन प्रोसीड बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, ओके। अब ए जो है एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, ओके, फॉर एग्जांपल वो बिकर के अंदर है या फिर कोई सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, तो उसको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेंगी कहाँ से? वॉल ऑफ द कंटेनर से मिलेंगी या फिर एक्सटर्नली प्रोवाइडेड मिलेंगी। तो वो ए जो है वो कन्वर्टेड हो जाएगा ए डैश के अंदर, ओके। तो ए डैश को क्या बोलेंगे हम? इट इज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ए डैश को क्या बोल सकते हैं हम? कि तो ए में और ए डैश में डिफरेंस है, ए इज अ सिंपल मॉलिक्यूल, एनर्जी लिया उसने एक्टिवेट हो गया, तो डेट इज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, ओके। अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स वापस से ए में आ रहा है लूज करने के बाद, तो उसके रेट ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा? रिवर्स रहेगा या फिर दो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको के वन समझे तो हम इसको के टू भी समझ सकते हैं, ओके। यहाँ पे के माइनस वन है लेकिन हम यहाँ पे के टू समझेंगे उसको। अभी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स देन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स देन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, सो इसको रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? दैट इज के थ्री। इसको के वन, ये के माइनस वन है, यहाँ पे के टू है, लेकिन हमको जो है ये इक्वेशन समझना है लास्ट वाला, तो हम क्या करेंगे? इसको के वन समझेंगे, इसको के टू समझेंगे, इसको के थ्री समझेंगे, ओके। ए डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट के अंदर, ए इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट्स, सो रेट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शंस इज के वन, वेयर यू विल गेट द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ए स्टार। रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शंस के टू, वी विल गेट द रिएक्टेंस, इन द रिएक्शंस गेट बैकवर्ड। इफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स एट दैट टाइम वी विल गेट द के थ्री रेट ऑफ द रिएक्शंस। So by using these terms, we can calculate the rate of the reactions. But we are explaining this rate of reactions by helping the biomolecular. Biomolecular reactions की help लेकर ही हम ये चीज़ों को explain कर रहे हैं. So rate of the reactions भी यहाँ पे एक derive हुआ formula. Okay? बहुत सारे इसके rules, regulations follow किए, conditions follow किए. उसके बाद हमको एक formula मिला, derive, final derive formula. That is the rate of the reactions for the unimolecular reactions. अब इसका rate कैसा है? Rate is equal to concentration of A, derivative of A by D by dt. अब इसकी value क्या रहेंगे निकलेंगी? इसकी value means K3. K3 concentration of A star. Rate of the reaction of K3 and concentration of A star. जितना ज़्यादा रहेगा उतना rate of the reaction ज़्यादा रहेंगी. Means इक्वल टू और बोल सकते हैं हम इसको, और क्या बोल सकते हैं? के वन इंटू के थ्री कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टू
इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे प्लस के थ्री था लेकिन के थ्री निग्लिजिबल होने की वजह से यहाँ पे ऐड नहीं किया हमने, तो के वन इंटू के थ्री मीन्स रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन के वन, ए से ए स्टार में कन्वर्ट हुआ के वन, ए स्टार से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ के थ्री, सो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन के वन के थ्री इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए स्क्वेयर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के टू डिवाइडेड बाय के टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम एडवांटेजेस समझने की कोशिश करेंगे। अभी दो भी थ्योरी हो गई, यूनिमोलिकुलर होगी बायोमोलिकुलर होगी, अब इसका एडवांटेजेस क्या है कोलिजन थ्योरी का समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका सिंपल एडवांटेजेस क्या है, ओके, सिंपल मॉलिक्यूलर रिएक्शन बट इट इज इन द गैसियस स्टेट शुड बी अंडरस्टूड इजीली एज द थ्योरी कंसिडर्ड सिंपल कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ये इसका एडवांटेज हो गया। पर सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शंस इन द गैसियस फेज, ओके, अब गैसियस फेज के अंदर जो सिंपल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है वो सारे के सारे कैन बी अंडरस्टूड, ओके, एंड द रेट ऑफ द रिएक्शंस, ओके, देन द कैलकुलेशन ऑफ द फेज कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ओके, एंड रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, so this is the advantage of collision theory. Again, advantage of collision theory is that it is a very simple theory and it is, can be applied and provide easily calculations for the rate constant of the reactions, okay. Then it's, and again it is most important part, it is advantage, it nicely explain the exponential increase in the rate of the reactions with the rise in temperature. कोलिजन थ्योरी क्या बताती है, जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसा ही रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा, ये एक्सप्लेन करती है, ये इसका एडवांटेजेस है। टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शंस है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थ्योरी, अरहेनियस ने हमने देखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद कैसा ही रेट ऑफ द रिएक्शन कैसा इंक्रीज होता है, देखिए उस तरह से हमने उसकी पॉइंट को समझने की कोशिश की है। मैंने ग्राफ से आपको लास्ट लेक्चर में ग्राफ के थ्रू हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। अब सम ऑफ द फेल्योर्स आर, इफ देर आर द सम मेरिट्स देन देर मस्ट बी द सम ऑफ द डीमेरिट आल्सो, तो उसके कुछ नुकसान आते हैं, कुछ उसके लिमिटेशंस भी है कोलिजन थ्योरी के। सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि द थ्योरी अप्लाई वेल ओनली ऑन द गैसियस स्टेट, ये थ्योरी किसकी बात करती है, सिर्फ गैसियस स्टेट की बात करती है, लिक्विड स्टेट की बात नहीं करती, सॉलिड स्टेट की बात नहीं करती। तो ये क्या हो गया इसका one of the important limitation of the collision theory. Next important thing is that the calculated value of the rate constant match with the experimental value only for the simple biomolecular reaction. Simple reaction hai tabhi ye values match honge, aur other reaction jo rahenge uske liye phir the other reaction which are not simple jaisa ki complicated reaction rahenge, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एट दैट टाइम डू नॉट मैच विद द करस्पॉन्डिंग कैलकुलेटेड वैल्यू। ये दो वैल्यू सिंपल रिएक्शन में यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर में मैच होंगे, बाकी केसेस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू ये मैच नहीं होंगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कोलिजन थ्योरी का। नेक्स्ट उसका ड्रॉबैक ये है, इसमें एस्टेरिक फैक्टर हम डिसाइड नहीं कर सकते। एस्टेरिक फैक्टर कई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेट ऑफ द रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि वो चीज हम जो है बाकी रिएक्शन में डिटरमाइन कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंसिडर किया है रिक्वायर्ड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर, दूसरी कोई एनर्जी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी नॉट इन्वॉल्व दिस एनर्जीज आर इग्नोर्ड इन दिस केस, सो दिस इज द ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ द कोलिजन थ्योरी, ओके।
यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज पे जो है यहाँ पे फोकस नहीं किया गया, वो है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशंस। ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन ये जो है बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, इसने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे बुक्स में है। ओके, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बुक्स के अंदर है। आप बुक्स अगर जो रीड करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स वहां पर मिलेंगे, ए टू जेड पॉइंट्स आर देयर इन द बुक्स।